अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाज का रेसिपी। तो आज हम अपनी रेसिपी में बनाने वाले हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे, जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 कप आटा लिया है और इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है और इसमें हम चुटकी भर अजवाइन डाले हैं। तो इसे मिक्स करके हमें एक मुलायम सा डो बना लेना है और हमें जो आलू के फिलिंग में जो हमने डालना है वो देख लेते हैं। तो हमने कुछ बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, ये 5 फ़ोरन लिया है, और ये प्याज का जो पत्ता होता है वो हमने लिया है, और लहसुन का कलिया हमने 1 चम्मच लिया है, अदरक को भी हम घिस के 1 चम्मच लिए हैं, और बारीक कटा हुआ हरा मिर्च 2 चम्मच, और हमें स्वाद अनुसार टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें धनिया चाहिए। तो इन सबको चलिए हम बनाते हैं। तो हमने एक पैन गरम किया है, उसमें हम सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले 5 फ़ोरन डाल देंगे। 5 फ़ोरन आपको आसानी से किराने के स्टोर में मिल जाएगा। इसे डालने के बाद तुरंत हमें डालना है इसमें अदरक घिसा हुआ, और हमें इसमें लहसुन को घिसा हुआ वो मिक्स कर देना है, और उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, बस इसे कुछ सेकंड तक हमें पकाना है, उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च डाल के भी हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस उसे हल्का सा सोटे करना है। उसके बाद हमने जो प्याज के पत्ते को लिया था बारीक काट के, वो हम इसमें डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद कुछ सेकंड तक इसे फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, जिसे हमने एक बारीक काट के ले लिया था। तो प्याज को हमें पूरा गोल्डन ब्राउन करना है, जब तक वो पूरा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें उसे फ्राई करना है। आप इस तरीके से बनाएंगे, आप अपने घर पर इस तरीके से अगर ट्राई करते हैं आलू का पराठा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देख ले। हमने धनिया को थोड़ा सा इसमें डाल दिया था, अब हम इसमें जो आलू को मैश करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आलू के साथ मिक्स करना है। और अब हम ऊपर से इसमें हरा धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके, ये हमारा तैयार हो चुका है आलू का फिलिंग। तो हमने डो को लिया है, जितनी बड़ी आपको आलू का पराठा बनाना उतनी बड़ी आप लोइयां ले लें। तो हमने इसी तरीके से एक लोई ले ले, उसे हम सूखे हुए आटे के साथ इसे इस तरीके से हमें कटोरी के आकार का बनाना है, नीचे की ओर हमें प्रेस करना है और इस तरीके से कटोरी का आकार देना है, और बीच में हम आलू का फिलिंग जो बना के रखे हैं उसे हम कवर करके अंदर की ओर उसे दबा के, और ऊपर की ओर हमें आटे को करना है, फिलिंग को हमें अंदर करना है और आटे को हमें ऊपर की ओर आगे करना है। और जिस तरीके से मोदक बनाते हैं उसी तरीके से हम एक दूसरे से सटाकर हमें इस तरीके से एक बीच में पॉइंट बना के उसे नीचे रब कर देना है। आप जिस तरीके का वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से सामने हम पॉइंट कर देंगे और उसे अच्छे से बंद कर देंगे, आराम से देख सकते हैं आप इस तरीके से। हमें हल्का सा प्रेस करके, दोनों हाथों से हल्का सा प्रेस करके सूखे हुए आटे के साथ उसे मिक्स करके, तो हम इसे सूखे हुए आटे के साथ मिक्स करके और हमें इस तरीके से हल्का हल्का बेलना है, हमें प्रेस नहीं करना ज़्यादा, हल्का हल्का हम उसे हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि उसमें ज़्यादा दबाव ना पड़े, वो गोल हो जाए, और हल्के हाथों से ताकि वो बाहर ना निकले उसकी जो अंदर हमने फिलिंग किया है। तो हमारा तवा गर्म है, तो अब हम अपने आलू के पराठे को डाल देते हैं। तो हमें इसमें कुछ सेकंड तक पकाना है, उसके बाद हमें इसे दूसरे साइड कर देंगे। देख सकते हैं इस तरीके से हल्का हल्का बबल आ गया है। हम यहाँ पे देसी घी ले रहे हैं, आपको ऑयल या फिर घी कुछ भी लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन पराठों का मज़ा घी में ही आता है, अक्सर आपने खा के आपको अंदाज़ा मिला ही होगा। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड से अच्छे से करारा सेक लेना है, देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है हमारा पराठा, और इसका महक भी बहुत ही अच्छा आ रहा है, आलू के अंदर का जो फीलिंग है वो बाहर इसका खुशबू आ रही है। तो इस तरीके से हमें चारों ओर अच्छे से घी लगा के सेक लेना है, देख सकते हैं हमारा पराठा कितना अच्छा फूल रहा है। इसी तरीके से हमें सारे पराठे को बना लेना है, और चलिए अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा था।